ये सेकेंड ईयर के सभी विद्यार्थियों का समाज मनोविज्ञान के इस लेक्चर में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम विभेदन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और विभेदन का पूर्वाग्रह में क्या अंतर है, इसका अध्ययन कर रहे हैं। विभेदन को डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। विद्यार्थियों, पिछले अध्याय में हमने पूर्वाग्रह को परिभाषित किया था और पूर्वाग्रह का अर्थ जो है उसका अध्ययन किया था। पूर्वाग्रह जो है वह किसी व्यक्ति या समूह के प्रति विशिष्ट ढंग से व्यवहार करने की तत्परता को कहते हैं। जब आप किसी विशिष्ट ग्रुप के प्रति या व्यक्ति के प्रति एक विशिष्ट ढंग से सकारात्मक या नकारात्मक रूप में व्यवहार करते हैं तो उसे हम पूर्वाग्रह कहते हैं। पूर्वाग्रह में 5 क्रियाएं होती है, जिनमें से एक क्रिया विभेदन है। और विभेदन जो है वह किसी जाति, प्रजाति अथवा अल्पसंख्यक समूह के प्रति समूह सदस्यता के कारण उत्पन्न गलत अथवा अनुचित अभिवृत्तियों पर आधारित व्यवहार को कहते हैं। तो जब आप किसी जाति, प्रजाति या अल्पसंख्यक समूह के प्रति गलत या अनुचित अभिवृत्तियों पर आधारित होकर व्यवहार करते हैं तो उसे हम विभेदन कहते हैं। फील्डमैन ने परिभाषित करते हुए विभेदन को बताया कि पूर्वाग्रह की व्यवहारात्मक अभिवृत्ति या व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति को हम क्या कहेंगे, विभेदन। तो जब व्यक्ति में पूर्वाग्रह होंगे और उस पूर्वाग्रह के पर आधारित होकर वह कोई व्यवहार करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, विभेदन। विभेदन में किसी विशेष समूह में सदस्यता के कारण उस समूह के सदस्यों के साथ गुणात्मक या ऋणात्मक ढंग से व्यवहार किया जाता है। इसको हम उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कोई अमीर व्यक्ति होगा तो हो सकता है कि वह पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर गरीब लोगों के प्रति नेगेटिव जो है वह प्रवृत्ति रखे और इस प्रवृत्ति के कारण वह गरीबों से द्वारा किए गए किसी भी कार्य को उचित नहीं माने या उनसे दूरी बना के रखे। तो मनोवृत्ति के आधार पर कि वह गरीबों को सही नहीं समझकर उनसे किस तरीके का व्यवहार कर रहा है, वह उनसे दूर रह रहा है, उनके द्वारा किए गए किसी भी कार्य में वह संतुष्ट नहीं हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, विभेदन। विभेदन एवं पूर्वाग्रह में क्या अंतर होता है यह हम अब इसमें समझेंगे। पूर्वाग्रह एक तरह की अभिवृत्ति है जबकि विभेदन पूर्वाग्रह को व्यक्त करने वाली क्रिया है। तो हमने ये बताया आपको कि पूर्वाग्रह जो है वह एक अभिवृत्ति है। यहाँ पर आप एक नेगेटिव या पॉजिटिव जो है वह एटीट्यूड रख रहे हैं। आप उसके प्रति, किसी भी व्यक्ति या समूह के प्रति आपकी जो अभिवृत्ति है उसको हम पूर्वाग्रह कह रहे हैं, जबकि विभेदन पूर्वाग्रह को व्यक्त करने वाली क्रिया है। जब आप पूर्वाग्रह रखते हैं
और उन पूर्वाग्रह के आधार पर जब आप क्रिया करते हैं तो उसे हम क्या कह रहे हैं, विभेदन या डिस्क्रिमिनेशन। तो अभिवृत्ति किसी व्यक्ति या समूह के प्रति तो पूर्वाग्रह है, और पूर्वाग्रह को जब आप क्रियात्मक रूप में लाएंगे या व्यवहार करेंगे तो उसे हम विभेदन कहेंगे। बैरन एवं बायरन ने कहा कि अपने से भिन्न किसी सामाजिक समूह के सदस्यों के प्रति व्यक्ति की नकारात्मक मनोवृत्ति को पूर्वाग्रह कहेंगे, जबकि उसकी नकारात्मक क्रियाओं को विभेदन कहेंगे। तो बैरन और बायरन ने भी यही बताया कि जब आप किसी समूह के सदस्यों के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति रखेंगे तो उसे हम पूर्वाग्रह कहेंगे, और जब आप उस मनोवृत्ति के आधार पर या पूर्वाग्रह के आधार पर क्रिया करेंगे तो उसे हम विभेदन कहेंगे। पूर्वाग्रह में तीन पक्ष हैं जिन्हें संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक कहते हैं। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि पूर्वाग्रह में तीन कंपोनेंट्स होते हैं या तीन पक्ष होते हैं जो कि संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक होते हैं, जबकि विभेदन में केवल क्रियात्मक पक्ष ही प्रधान होता है। विभेदन में जो है क्रियात्मक पक्ष प्रधान होता है। उदाहरण के लिए जैसे ब्राह्मण जो है वह दूसरी जाति के प्रति नकारात्मक तथा बैरपूर्ण मनोवृत्ति रखता है और यह पूर्वाग्रह है। यह सिर्फ एक उदाहरण है जिसके आधार पर हम बता रहे हैं कि ब्राह्मण हो या कोई भी उच्च जाति का व्यक्ति दूसरी जाति के प्रति नकारात्मक या बैरपूर्ण मनोवृत्ति रखता है, यह उसका पूर्वाग्रह होता है, और इससे प्रभावित होकर वह उस समूह को मंदिर में जाने से रोकता है या धार्मिक व पवित्र पुस्तकों को पढ़ने पर पाबंदी लगाता है और उन्हें दंड देता है, तो यह उसका जो व्यवहार होगा उसे हम विभेदन कहेंगे। पूर्वाग्रह का क्षेत्र अधिक व्यापक होता है। इसका संबंध तीन विमाओं अर्थात संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक होता है। इसके विपरीत विभेदन का क्षेत्र सीमित होता है। इसका संबंध केवल क्रियात्मक विमाओं से होता है। तो पूर्वाग्रह जो है वह अधिक व्यापक है और विभेदन जो है वह उससे कम व्यापक है। इसमें सिर्फ क्रियात्मक विमा होती है। विभेदन के लिए पूर्वाग्रह एक कारण है जबकि विभेदन स्वयं उसका परिणाम है। पूर्वाग्रह के बिना विभेदन संभव नहीं है, जबकि विभेदन के बिना भी पूर्वाग्रह संभव है। किसी व्यक्ति में पूर्वाग्रह होंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो विभेदन करेगा, परंतु यदि विभेदन है तो पूर्वाग्रह संभव है। उदाहरण के लिए यदि किसी ब्राह्मण में हरिजन के प्रति नकारात्मक तथा बैरपूर्ण मनोवृत्ति नहीं हो तो वह हरिजनों के साथ विभेदक मूलक व्यवहार नहीं करेगा। दूसरी ओर विभेदक मूलक व्यवहार नहीं करने पर भी ब्राह्मण में नकारात्मक मनोवृत्ति हो सकती है। तो यह उदाहरण द्वारा समझाया गया है कि पूर्वाग्रह के बिना विभेदन संभव नहीं है, जबकि विभेदन के बिना पूर्वाग्रह संभव है। तो विद्यार्थियों, आपने इस अध्याय में विभेदन किसे कहते हैं और विभेदन और पूर्वाग्रह में क्या अंतर होते हैं इसका अध्ययन किया। सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो को ध्यान से सुनने व देखने के लिए धन्यवाद।